नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल एस्ट्रो अभि चतुर्वेदी में। मैं अभिषेक चौबे आज लेकर आया हूँ लव राशि फल। तुला राशि के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है? देखो, गोचर में अगर हम बात करें तो अगस्त के महीने में कई ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें कि शुक्रदेव ही मान लो आप प्रेम के कारक होते हैं, रोमांस के कारक होते हैं, यही राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और ये वक्री रहेंगे, आपके सिंह राशि से आपके कर्क राशि में आ जाएंगे। वहीं पर आपके सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं, आपके मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे। आपके चंद्रमा तो कई बार राशि परिवर्तन कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इतने ग्रह जब राशि परिवर्तन करेंगे तो जाहिर सी बात है अगस्त के महीने में कुछ स्पेशल होना चाहिए आपकी लव लाइफ में, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बस रहती दुख की बात बताएं आपको, बताया देता हूं मैं। आपके एकादश भाव में बुध आदित्य बन रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें आपके दसम भाव में शुक्रदेव आ जाएंगे, ठीक है, कर्क राशि में। आपके मंगल कहाँ आएंगे? द्वादश भाव में। लव लाइफ में अगस्त के महीने में इतना अच्छा तो आप नहीं देखोगे, लेकिन यहाँ पर बुराइयाँ ज़्यादा देखोगे। आपके साथ लोग चीट ज़्यादा करेंगे, आपको धोखा देंगे, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या फिर किसी से नॉर्मल आप फ्रेंडशिप में हो या आपका एक तरफा प्रेम हो, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि ये बंदा हमें चीट कर रहा है या धोखा दे रहा है। पैसे के मामले में बात कर लो आप, यहाँ पर ये स्थिति देखने को मिलेगी। और व्यक्ति है ना आपको स्वार्थ से याद करेगा इस महीने में। अगर आप थोड़े बहुत भी स्वाभिमानी इंसान होंगे तो शायद आप रिश्ते से बाहर भी निकल लो। सोचो यार, बेकार है ऐसी ज़िंदगी, मतलब इस रिश्ते में रहने से अच्छा है कि हम सिंगल ही रहें, वो स्थिति भी आ सकती है। वहीं पर आपके मंगलदेव द्वादश भाव में जाके बैठे हैं तो ये थोड़ा सा आपके वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत करेंगे, आपको चिड़चिड़ापन करेंगे, आपके अंदर चिड़चिड़ापन वाली स्थिति। अब चिड़चिड़ापन कब होता है ये और सुन लीजिए आप। जब जाहिर सी बात है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या किसी से आप प्रेम करते हैं, वो व्यक्ति आपको चीट करेगा तो आपका जाहिर सी बात है आप दुखी रहोगे, मन से परेशान रहोगे, तो चिड़चिड़ापन तो जाहिर सी बात है आना ही। और इसी में अगर आप मैरिड व्यक्ति हो तो अपने वाइफ पे या हस्बैंड पे गुस्सा उतारोगे आप, इससे वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तब हम आपको वीडियो की लास्ट में उपाय भी बता देंगे, ओके। चलिएगा हम और बारीकी से बात कर लेते हैं, लेकिन हम आपसे इतना ही अनुरोध करेंगे, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर लें, जिससे कि हमारे जो आगे की आने वाली वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सहजी प्राप्त हो सकें। देखो, हम आपको यहाँ जो जानकारी दे रहे हैं गोचर के अनुसार दे रहे हैं। रियलिटी जानना हो किसी रिश्ते में आप अभी प्रेजेंट में हो और या फिर कोई आपको चला गया है छोड़ के, तो वो वापसी करेगा भी या नहीं करेगा, या जो आपके प्रेजेंट में रिलेशनशिप में है वो व्यक्ति कंटिन्यू कर पाएगा या बाद में बदल जाएगा, उसकी हकीकत जानना हो तब आप पर्सनल रीडिंग करवा लेना। पर्सनल में क्या है, हम आपकी रीडिंग करेंगे आपकी ही अकेले, ठीक है, आपके और आपके पार्टनर की। यहाँ पर जो हम जानकारी देते हैं ना ये सार्वजनिक होती है, सभी के लिए होती है ना। चलिएगा हम मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अगर आप तुला राशि के व्यक्ति हैं तो अगस्त के महीने में लव लाइफ में बहुत सावधानियाँ बरतना। आप यहाँ पर आँखें बंद करके बिलीव मत करना अपने पार्टनर पर, भले आपका कितना पुराना प्यार क्यों ना रहे उस व्यक्ति को, ठीक है। थर्ड नंबर, यहाँ पर एक चीज़ खुशी की देखने को मिलेगी कि आपका एक्स पार्टनर से कांटेक्ट होगा, जो आपको छोड़ के चला गया था, या नो कांटेक्ट सिचुएशन में, चाहे आपका पहला प्यार हो चाहे दूसरा प्यार हो, अगर वो नो कांटेक्ट में था तो उससे अब यहाँ पर कांटेक्ट होने के चांस है, क्योंकि उस व्यक्ति को आपके बारे में सही पता लगेगा कि आप हकीकत हो, मतलब आप सही हो, आप क्लियर व्यक्ति हो, और जिस व्यक्ति के चक्कर में आपको छोड़ के गया था वो व्यक्ति धोखा दे रहा था। तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से दूर होगी और आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापसी करेगा, किसी भी राशि का क्यों ना रहे। ये आपके लिए खुशी का समय देखने को मिलेगा। अगर आप एक तरफा प्रेम कर रहे हैं या फिर लव मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो अगस्त के महीने में भैया बिल्कुल मत सोचना और ना ही आप प्रपोज करना। अगर आपका एक तरफा प्रेम है तो आप जाहिर भी मत करना, ठीक है,
ये अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका रास्ता चल सकता है आने आने वाले समय में, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपका पार्टनर आपको इग्नोर ज्यादा करेगा। थर्ड नंबर, अगर आप किसी के साथ प्रेजेंट में रिलेशनशिप में हैं तो उस रिश्ते को आप कंटिन्यू करने के लिए एक काम करें, अपने पार्टनर को पूरा समय दें और उसे ऐसा महसूस ना होने दें कि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, आप उसे समय नहीं दे पा रहे हैं। अगर उसे ऐसा महसूस हुआ तो वो जाहिर सी बात है आपको छोड़ सकता है। और आप ऐसी कोई बात मत कर देना टसन वाली कि जो उसे बुरी लग जाए और वो आपको छोड़ दें, या उसकी फैमिली के खिलाफ, या उसे जो चीज़ पसंद नहीं है वैसी बात बिल्कुल मत करना। ये हम आपसे अनुरोध करेंगे, अन्यथा आपको ही दिक्कत होगी, ठीक है। थर्ड नंबर, वैवाहिक जीवन को सही करने के लिए या फिर लव लाइफ को सही करने के लिए आप एक काम करना, डेली रात्रि में तांबे के पात्र में जल भर के रख दिया करो, सुबह उसका सेवन किया करो, मतलब पिया करो उस जल को, बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपके जो रिश्ते खराब हो रहे हैं या चिड़चिड़ापन हो रहा है वो नहीं होगा, ठीक है। आज हम आपको इतनी ही जानकारी देंगे, पुनः कहेंगे रियलिटी जानने के लिए आप पर्सनल ही संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल पुनः मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।